हिमाचल प्रदेश के किन्नौर विच निगुलसरी तो 2 किलोमीटर पहला रामपुर वाल अचानक लैंडस्लाइडिंग हुई। इस हादसे के कारण बस मलबे हेठ दब गई है, एक वड्डा भयानक हादसा भी वापर गया। जानकारी के मुताबिक बस अजे भी मलबे हेठ ही दबी हुई है। इस नाल ही बचाव टीम मौके पर पुज गई है, राहत बचाव कार्य दे विच जुट गई। हुण तक कुल 13 लोगों को बचाया जा चुका है। इस दे नाल ही इस हादसे दे विच 13 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस विचों कुल मलबे विचों कुल 10 लाशा कढ़िया जा चुकिया ने। इस दे नाल ही अज बचाव कार्य दौरान ITBP वालों 3 लाशा होर भी कढ़िया जा चुकिया ने। एक बस बलैरो ते इस दे यात्री हाले तक मलबे हेठ दबे हुए ने। बीती रात अनेरा होने तो बाद बचाव कार्य बंद कर दिया गया सी। उते ही हिमाचल सरकार ने जानकारी दी है कि बचाव कार्य वीरवार सवेरे यानी कि अज सवेरे शुरू कर दिया जाएगा। DC आबिद हुसैन ने दसिया कि मलबे हेठ कई वाहन अजे भी फसे होने का खर्चा है। उत्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान भी किया है। इस दे नाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतका के जख्मिया के रिश्तेदारों लिए वित्तीय मदद देने का भी ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। नरेंद्र मोदी ने मृतका के वारसा 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया है। इस दे नाल ही इस हादसे से दुख भी प्रगटाया। उते ही मृतका के परिवारों के नाल दिलासा भी प्रगटाया। उते ही दस्सिया कि जयराम ठाकुर मौके पर पुजे। CM जयराम ठाकुर ने कहा कि कुछ लोगों को बचाया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने दस्सिया कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाल भी इस हादसे के बारे गलबात की। उन्होंने NDRF की टीम को बचाने के लिए मौके पर पुजने के आदेश भी दिए ने। बेहद ही भयानक हादसा बीते दिन हिमाचल के किन्नौर दे विच वापरिया, जिते एक बस मलबे हेठ दब गई। 13 लोगों की जान इस भयानक हादसे के चली गई।